लोगों ने सिर्फ एक काम पकड़ा हुआ है, तब्दीली आ गई। 400 की चीज़ 2000 में बेचते हैं, दो गाले इमराना को निकालते हैं। अगर तो वो भी नून लीग ही है ना, ठीक है, वो भी दो निकालेगा और अपनी छेल उतार के ना चला जाएगा। मान दी इस बात को आप, जितना पैसा अवाम ने इन 3 सालों में कमाया ना, सोचना भी ना, देख लेना ऐसा ही होगा ना होगा, मुझे पकड़ लेना। कह रहे मियाँ साहब आ रहे थे, आ भी जान के तो बेचारे ने की कर लेना है, ना है ऐसे बेचारा। ये देखो, ये कह रहे थे ना इस्तीफे दो, मरियम कह रही थी इस्तीफे दो, अब क्यों नहीं कह रही? किसी ने उसके कान में बात डाली है, बीबी इस्तीफे लेके क्या करोगी तुम, तो नहल हो, सारा फायदा तो शहबाज शरीफ को हो जाएगा। तो आ रही है, मेरी बात सुनो ना, उसने कहा इस्तीफे ले लेते हो, गवर्नमेंट गिर जाती है, आपको क्या फायदा? वजीर आजम तो बन जाएगा शहबाज शरीफ, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो नहल हो, 5 साल पूरे करो। सलाम खान साहब की हुकूमत कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। देखें आप, लोग ना कह रहे महंगाई महंगाई महंगाई, नो डाउट महंगाई है, ठीक है, लेकिन किस बंदे के लिए ये आपको पता है? सिर्फ जो बंदा बेचारा 18,000 रुपया ना सैलरी लेता है फैक्ट्री से, ठीक है, हमारे मुआशरे में सबसे गरीब तो ये रेड़ी लगाने वाला ना, ठीक है, ऐसी बात है। ये भी अगर 4,000 की दिहाड़ी ना लगा के जाए तो मुझे पकड़ लेना, ठीक है। लोगों ने सिर्फ एक काम पकड़ा हुआ है, तब्दीली आ गई। 400 की चीज़ 2000 में बेचते हैं, दो गाले इमराना को निकालते हैं। अगर तो वो भी नून लीग ही है ना, ठीक है, वो भी दो निकालेगा और अपनी छेल उतार के ना चला जाएगा। मान दी इस बात को आप, जितना पैसा अवाम ने इन 3 सालों में कमाया ना, सोचना भी ना। वो कैसे कमाया बताइए? यही कि तब्दीली आई है, 400 की चीज़ 4000 में दे रहे हैं, 2000 में दे रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? हम लोग ठीक होंगे तो फिर हम ही नहीं ठीक, मैं हूँ ना, मेरा जिधर बस चलता है मैं चला लेता हूँ। तो फिर गवर्नमेंट किस लिए होती है अगर उन्होंने यार कंट्रोल नहीं किया? हमको खुद दुरुस्त होना पड़ेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो है, पहले तो गवर्नमेंट है, हमें भी सही होना पड़ेगा। एक कल्ला बंदा या 2-4-5 बंदे कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम ईमानदार ना होंगे कुछ नहीं हो सकता। हम मसाले देते हैं जर्मन, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी बात है ना, बिल्कुल ऐसी। तो उन जैसे हम बनना भी तो चाहिए ना हमें, ठीक है। महंगाई है लेकिन वो उस बेचारे बंदे के लिए जो 18,000-20,000 फैक्ट्री में सैलरी ले रहा है। खान साहब जो एक्स्ट्रा जो आपने गुजरा भी रखे हुए हैं, वो आपने खसूसी जो है वो भी रखे हुए हैं, वो बात आपकी सही है। प्रॉपर जो है उनकी टीम में पहले फिर 25 साल से स्ट्रगल करते हुए, हाँ, अभी तक आप नहीं समझते कि खान साहब की टीम पूरी हुई है, उनकी सियासी तैयारी? देखो केला खान भी कुछ नहीं कर सकता, जो साथ में है ना वो भी करप्ट है। जितने न्यू पर्सन है ना, मुराद सही लगा लें, शहरयार फरीदी लगा लें, अली अहमद खान लगा लें, अली मोहम्मद खान, असद उमर लगा लें, ये लोग सही हैं, ठीक है। जो पुराने हैं ना, मैं फरदोस के एरिए को फरदोस लगा ले, ख्वाजा आसिफ लगा ले, फलां लगा ले, फलां लगा ले, सब करप्ट हैं, सब करप्ट हैं, सब करप्ट हैं। इन्होंने जब इधर जाना ना, अगली बार देखना है कि अब किसकी बारी होगी, सारे उधर बंदे वो ही सही हैं जो नए आए हैं। तो ये तो खान साहब ने जो विजन लेकर आए थे नौजवान के लिए, तो फिर पुरानों को खुद क्यों ऐड किया? उसके बाद अलावा चारा कोई नहीं था, नए बंदे को कोई वोट देता है? वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जा रहा नहीं था। देखे ना, वो एक तो सियासी बात होती है ना, वो भी सियासी बात कर रहा था, लेकिन जब वो अंदर आया ना फिर उसको पता चला कि ये इतना नहीं, इतना मसला ख़राब है। वो समझता था इतना मसला ख़राब है लेकिन इतना मसला है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप है ना, खुदा ना करे आपके घर में चोरी हो जाती है, ठीक है, ऐसी बात है, कितनी देर लगेगी आपको स्टैंड होने में? लगेगा ना 5-7 साल उस लेवल। अगर सोर्सेज हैं मेरे पास, या अगर एक बंदे से मैं कर्जा उठा के अपना वो नुकसान पूरा कर तो फिर स्टेबल, मैं उसकी भी आपको मिसाल देता हूँ, 5-7 साल लगेंगे ना? मैं नहीं समझता, उसी वक्त हो जाएंगे। मतलब ये है कि आप अपने वो बिजनेस मैन होगा तो फिर वो बिजनेस होगा, किसी से पैसे लेगा, पकड़ेगा, फिर दोबारा शुरू, वो बिजनेस मैन की बात है। होता भी यही है, हाँ, वो बिजनेस मैन उनकी सारी कम्युनिटी जो है जितने बुजुर्ग हैं। मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ वो समझ नहीं रहे आप, मिसाल दे रहा हूँ कि आपके घर में चोरी हो जाती है, ठीक है, टाइम लगेगा, लगेगा ना, यही हिसाब हमारे मुल्क के साथ हुआ है, बड़ी बेदर्दी से लूटा है। अच्छा, वो आप कहेंगे 3 साल में, ऐसे तो नहीं ना होता। मैं आपको छोटा सा इनकी एक बात बता दूं, ओरेंज ट्रेन आपके किस काम है?
है? आप विजिट नहीं किया? विजिट किया मैंने, वो तो विजिट करने से ना, बैठने की जगह नहीं होती। नहीं वो छोड़े उसको, मैंने नहीं बैठा, नहीं मैं उसमें बस देखा। मुझे आप बताएं आपके किस काम है, मेरे किस काम है? गवर्नमेंट ने कोई भी, मेरी बात प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है ठीक है, उसका एक और ट्रेन सिर्फ लाहौर के लिए 1,00,000 बंदे के लिए ठीक है, 280 अरब डॉलर ये लगा, आपको पता है ना, आप मीडिया के लोग आपको पता है कि इतने पैसे लगे हैं। आपकी बीआरटी का बड़ा चर्चा है, मैं आपको बताता हूँ ना, उसका क्या फायदा हमें, किधर क्या हो रहा है की बात हो रही है, मैं उसको नहीं समझ, वेरी सॉरी, मैं नहीं समझ। पेशावर के अंदर बीआरटी का पीटीआई का मंसूबा था? नहीं मैं उधर रहता ही नहीं, मैं क्यों कहूँ। तो लाहौर में कब आप रहते थे? तो नहीं नहीं मैं ओरेंज ट्रेन की बात बता रहा था, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा था कि देखो भाई 280 अरब रुपया लगा उस पर, उस वक्त लगा जब 130 का डॉलर था, अब डॉलर कितने का है, वो तकरीबन 400 अरब रुपये में वो। पीटीआई वाले जो हैं वो डॉलर की तारीफें बड़ी करते हैं। नहीं 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 मसनूई काम कोई भी नहीं है करें, अली मीन गंडापुरी जैसे कहते हैं कि फायदा होता है। हाँ नहीं नहीं फायदा सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी को, और किसी बंदे को। कुछ खबरें क्यों दे रहे होते तो यार, बस आवाम को हौसला भी तो देना ना भाई, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, हौसला भी तो देना ना। देखो मैं आपको बताऊँ ना, मसाइल का हल है कोई? मसाइल का हल तो अल्लाह पाक के पास ही है, ईमानदार है, ये कहेंगे कि ईमानदार है ठीक है, आपका पैसा नहीं खाएगा, इससे हो या ना हो वो लहदा बात है, लेकिन ये महान चोर है। नवाज शरीफ की बात बताऊँ अब मैं आपको ठीक है, मैं हूँ ना, मैंने ये गाड़ी रखी है ठीक है, मेरे बच्चों को नहीं पता कि मैं किधर से लेके आ रहा हूँ, नहीं ना पता, मौत बरहक के मैं मर जाता हूँ, मेरे बच्चों की कफालत मेरा भाई करेगा, करेगा ना ठीक है, मेरे बच्चों को तंग करेगा, मैं पता नहीं किधर से ले, चोरी कर रहा हूँ, डाका डाल रहा हूँ, किसी से पकड़े हुए हैं ठीक है, मेरे भाई ने तो ऐसा नहीं करना, मेरे बच्चों ने कहना हो मेरा वालिद ठीक था, ये नहीं पता कि वालिद ने पैसा किधर से लिया है। अब मेरे भाई को मेरे लेन देन वाले खींचेंगे, खींचेंगे ना, तो यही है लेन देन वाले खींच रहे हैं, नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान हक को गाली है। औरंगजेब कह रही है कि बस इलेक्शन से पहले खान साहब निकले, जाहिर बात है पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये इलेक्शन ये 5 साल नहीं रहेगा, अच्छा ये पहले इलेक्शन करवाएगा खान साहब, खान साहब करवाएंगे, ये मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं ना, इसको रिकॉर्ड भी रखना। वजीर जो है वो तो कहते हैं मशीर खजाना साहब के 3 महीने जो बाद में होगा, इलेक्शन पहले होंगे, कमर और जवेद बाजवा की निगरानी में फिर इलेक्शन होंगे, जब तक उसकी तुसी है ना वो उसके अंदर ये इलेक्शन होंगे। बाजवा साहब की तो अभी तो चांदी मां बात ना ना, अगले मंथ में, अगले नवंबर में है, आपको इतला होनी चाहिए, अगले नवंबर में है ठीक है, पहले सारी चीज़ें कर रहे हैं, देख लेना ऐसा ही होगा ना होगा मुझे पकड़ लेना। कह रहे मियाँ साहब आ रहे हैं, आ भी जाएंगे तो बेचारे ने की कर लेना है, ना अहल ऐसे बेचारा, ये देखो ये कह रहे थे ना इस्तीफे दो, मरियम कह रही थी इस्तीफे दो, अब क्यों नहीं कह रही, किसी ने उसके कान में बात डाली है, बीबी इस्तीफे लेके क्या करोगी, तुम तो नाहल हो, सारा फायदा तो शहबाज शरीफ को हो जाएगा। तो वो आईडियो जो आ रही है, मेरी बात सुनो ना, उसने कहा इस्तीफे ले लेते हो, गवर्नमेंट गिर जाती है, आपको क्या फायदा, वजीर आजम तो बन जाएगा शहबाज शरीफ, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम तो नाहल हो, 5 साल पूरे करो। मियाँ साहब आख्या था कि दो भी इकट्ठे ने परेशानी नहीं, मियाँ साहब आ गए अभी।